हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति के बारे में। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, तो आइए शुरू करते हैं इसे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर दक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में लगभग देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा हमारे देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। भारतीय संघ राज का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु को कहा जाता है। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। विश्व के सातवें देश देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और तत्पश्चात भारत, जो कि सातवें स्थान पर स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के पूर्व में कौन क्या है? बंगाल की खाड़ी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 22.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक में उत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1889 में
सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों के अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे। मसाले, मलमल आदि, कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापित कला तथा पश्चिम एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अतः भारत श्रीलंका से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे दिखाई देता है।